हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 20। अभी तक हम टोटल 19 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इस हर लेक्चर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 30 होते हैं और ये पूरे 30 के 30 क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन होंगे एनवायरनमेंट के। और कोशिश करिए कि आपके कम से कम 25+ क्वेश्चन सही हो इस प्रैक्टिस सेट में, तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब जो आपकी तैयारी चल रही है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, अदरवाइज़ आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता ज़रूर है। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत सारे देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो यार, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है। ठीक है, तो जो मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है, यार तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर है कि मलाया प्रायद्वीप तथा इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। ठीक है, तो जो मलक्का जल डमरू मध्य मलाया द्वीप और इंडोनेशिया द्वीप के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है और विश्व की प्रमुख जल संधियों में से ये एक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि मेरियाना गर्त सर्वाधिक गहरा गर्त है। ठीक है, जो मेरियाना गर्त है वो सर्वाधिक गहरा गर्त है और गर्त का मतलब होता है समुद्र में जो गहराई होती है उसे कहा जाता है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो जो मेरियाना गर्त है वो चार जो महासागर दे रखे इनमें से किस में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, प्रशांत महासागर में। तो जो मेरियाना गर्त है वो प्रशांत महासागर में स्थित है और इसकी जो टोटल गहराई की बात करें तो 11,034 मीटर। ठीक है, 11,034 मीटर सबसे ज़्यादा गहरी है कौन सी प्रशांत महासागर में, मेरियाना गर्त। क्वेश्चन अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन प्रत्याशी थे। ठीक है, तो मोहम्मद अजहरुद्दीन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से लोकसभा संसद या लोकसभा क्षेत्र में भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन प्रत्याशी थे। तो यार, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड, मुरादाबाद से इन्होंने चुनाव लड़ा था अजहरुद्दीन ने। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया। ठीक है, मतलब 1986 में संशोधन कब किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 1991 में। अगर हम बात करें तो यार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया था वो आया था 1986 में और 1991 में इसमें संशोधन किया गया और उसके बाद फिर बाद में संशोधन किया गया है 2002 में। मतलब जो अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू है वो 2002 का है, मतलब सबसे पहले आया था 1986 में, संशोधन हुआ था 1991 में और अभी जो चल रहा है वो 2002 का है। अगला देखते हैं यार कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर, याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और वहीं 22 मार्च की अगर हम बात करें तो 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता। ठीक है, अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता तो पौधे को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि हिमेटोपाइसिस कहाँ होता है। ठीक है, जो हिमेटोपाइसिस कहाँ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, अस्थि मज्जा में। तो हम बोल सकते हैं यार कि जो अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण हेमेटोपाइसिस कहलाता है। मतलब जो अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है उसे ही कहा जाता है हेमेटोपाइसिस, और ये प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं होती है जो अपने आप को विभाजित कर प्रतिलिपियां बनाकर विभिन्न प्रकार के रुधिर कणिका बनाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की फर्न किस वर्ग में आते हैं। जो फर्न है वह किस वर्ग में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, टेरिडो फाइटा के अंतर्गत आते हैं। कौन? फर्न। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा के लिए असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, पुष्प की अनुपस्थिति ब्रायोफाइटा के लिए असत्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा कि ब्रायोफाइटा उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, ठीक है, तो जो ब्रायोफाइटा है वह उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे जल तथा स्थल दोनों जगह में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, नाथुला दर्रे को पार करना होता है यदि तिब्बत में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, मानसरोवर की यात्रा करने के लिए तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है, तो नाथुला दर्रा को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है, तो जो पेरियार नेशनल पार्क है वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, पश्चिमी घाट में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की मैग्नीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूरोसम, ठीक है, ट्यूबर रोशम आलू और पैंथेरा लियो में इंडिका ट्यूबरोसम और लियो किसको प्रदर्शित करते हैं, तो यार ये जो सारे वैज्ञानिक नाम है और इसी को कहा जाता है द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था और इन्हें ही वनस्पति नाम के नाम से भी जाना जाता है, जो वनस्पति उनको वनस्पति नाम या फिर वैज्ञानिक नाम से, और ये सारे नाम को द्विनाम पद्धति कहा जाता है जिसे कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नांकित जीव वर्ग में कौन तीव्रता से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो निम्नांकित जीव वर्ग में कौन तीव्रता से उत्पन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, जीवाणु, ठीक है, तो पृथ्वी पर जो भी पाए जाते हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, इसमें से जीवाणु ऐसे जो कि जिनकी तीव्रता या वृद्धि दर सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा कि किस नगर को भारत में सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हें सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, बेंगलुरु को। अगर राज्य की बात करें तो कर्नाटक, बाकी बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से, या भारत का सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की विकास गौड़ा ने 2015 एशियन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस खेल से गोल्ड या स्वर्ण पदक जीता था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, डिस्कस थ्रो से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, ठीक है, तो जो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, वैद्यनाथ झील हो जाएगी, ठीक है, वैद्यनाथ झील हो जाएगी सबसे लंबी झील। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा कि आलू मटर तथा बैगन किस संघ की प्रजातियां है, तो ठीक है, जो आलू मटर और बैगन किस संघ की प्रजातियां है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आंसर, सोलेनम प्रजाति के कुल के हैं कौन, आलू मटर और बैगन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि खालिस्तान वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है, तो जो लद्दाख है वह वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है क्योंकि इसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से समुद्र तल से अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, ठीक है, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः अंग था किसका, तो गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है, जो कि ये जो चारों दिए इसमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए कितने मत प्राप्त करने चाहिए, तो यार ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। अगला देखते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे केक कहते हैं, किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आंसर हो जाएगा इसका सी, संघ और राज्य सरकार के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, ठीक है, तो जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें से कौन शामिल नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 की भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, ठीक है, तो भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो जो भारतीय संविधान इसे अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यार उस उम्र के बालक पर्यावरण की विभिन्न घटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन आदि की अवधारणाओं को समझ पाने में समर्थ होता है। दिया गया उदाहरण किस आयु वर्ग के बच्चों के बारे में बताता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका आंसर, 5 से 7 वर्ष। और आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों में अपने परिवेश के महत्व को समझ विकसित हो जाती है और इस आयु वर्ग के बच्चों में वर्गीकरण व विभेदीकरण संबंधित ज्ञान का भी विकास होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन 8 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में सही है, तो यार ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा इसका आंसर, ए और बी दोनों सही है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।